हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग का एमआरएस अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है। बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है। आप लोग की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए जो आपका पहले से तैयार है। कोशिश करिए कि उसी को बार बार रिवाइज करें, जिससे कि वो आपका 100% तैयार हो जाए। जो चीज़ें रह गई हैं या छूट गई हैं, उनको इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पेपर ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं चीज़ों में से ही आ जाए। जो आपका प्रिपेयर है उसको अच्छे से रिवाइज करिए। तो आज की वीडियो में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो बटन सब्सक्राइब नहीं किया होगा कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल रही होगी अभी तक ये सीरीज आप लोग के लिए, या जो क्लासेस मैंने प्रोवाइड कराई थी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, फेवरेबल बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम कैशबुक बनाते हैं तो वहाँ पर जो डेबिट बैलेंस आता है, डेबिट शेष निकल करके आता है, तो आपको पता ही होगा कि एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट हो जाता है। तो जो डेबिट का साइड है ये बड़ा है, तभी डेबिट शेष है, डेबिट बैलेंस है, किस तरफ जाएगा? क्रेडिट तरफ जाएगा। तो जो डेबिट शेष होगा उसका मीनिंग क्या रहेगी? कि बैंक से ऋण लिया है, अधिविकर्ष है, अनुकूल संतुलन है या फिर प्रतिकूल संतुलन है। तो इसका मीनिंग क्या रहता है? इसका मीनिंग हो जाता है कि जो संतुलन है, बैलेंस है दोनों तरफ का, वो फेवरेबल है। यानी कि एक साइड पेमेंट होते हैं, एक साइड रिसिप्ट होती है। तो डेबिट के साइड में क्या रहता है? रिसिप्ट रहती है। और क्रेडिट के साइड में जो पेमेंट होते हैं वो रहते हैं, मतलब आप तुमको रिसीव ज़्यादा हुआ है, आपने पेमेंट कम किया है, इसलिए आपका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है। तो क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विक्रय भेजक सबसे पहले दर्ज किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं? सेल्स इनवॉइसेस आर फर्स्ट एंटर्ड इन कैश बुक, सेल्स जर्नल, सेल्स अकाउंट, परचेज जर्नल। तो जो सेल की जाती है उसका जो इनवॉइसेस होते हैं, भेजक होते हैं, उसको सबसे पहले हम कहाँ पर दिखाते हैं? तो उसको जो दिखाया जाता है सबसे पहले, वो हम जो सेल्स जर्नल बनाते हैं वहाँ पर दिखाया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि मेन जर्नल होता है उसकी कई सब्सिडरी बुक्स भी बनती हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स जर्नल होता है हम वहाँ पर उसकी एंट्री करते हैं, वहाँ पर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिधारित आय विवरण दर्शाता है रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट वेबसाइट अ प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेट्स ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट, नन ऑफ द ऑप्शन। तो यहाँ पर जो रिटेन्ड अर्निंग होती है, जो उसका स्टेटमेंट बनता है, वो क्या दर्शाता है? तो जो रिटेन अर्निंग का हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो दिखाता है रिटेन अर्निंग जो होती है। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो आप लोग प्रॉफिट निकालते हैं, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट हो, उससे अलग होती है। क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वो तो एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट इतना निकल के आए। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि कंपनी ने या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसने कितना प्रॉफिट अपने पास रिटेन करके रोक करके रखा हुआ है, जिससे कि जब भी कभी आवश्यकता पड़े उस कंपनी को अपने बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हो जाते हैं अचानक से, या जो पहले से हमें पता है कि होने वाले हैं, उनके लिए रिटेन करके रखता है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उसका यूज किया जा सके। तो वो क्या दिखाएगा? लाभों का विनियोजन दिखाता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल अकाउंट्स, इनपुट में से कौन से वास्तविक खाते हैं? तो यहाँ पर आपको अलग अलग दे रखे हैं, आपको देखना है कौन कौन से पॉइंट पर जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट होंगे, और उसके बाद नीचे वही आपको ऑप्शंस जो है वो चूज कर लेने हैं। कौन से होते हैं रियल अकाउंट, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो आहरण खाता है ये कौन सा हो जाएगा? आहरण खाता जो हो जाता है आपका पर्सनल हो जाएगा। जो नगद दे रखा है कैश वाला, ये हो जाता है रियल अकाउंट, क्योंकि ये जो कैश होती है, रोकड़ होती है, करंट एसेट होती है, और एसेट किस में जाती है? रियल अकाउंट में। कैपिटल ये भी नहीं होगा। मशीनरी, मशीनरी भी हो जाएगा आपका रियल अकाउंट, और डिप्रिसिएशन ये भी नहीं आएगा। कौन से दो होंगे? नगद और मशीनरी, बी और डी। बी और डी कहाँ दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन डैश है सैलरी पेड टू स्टॉक इज ए डैश। आपको बताना है कि जो सैलरी किसी स्टॉक को पे की गई है वो किस तरह का अकाउंट होगी, पर्सनल, रियल, नॉमिनल या फिर कैपिटल। तो जो सैलरी पे की गई होगी तो आपको पता ही है सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, नाम मात्र के खाते में।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वित्तीय लेखांकन संबंधित है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली, बुक कीपिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जो वित्तीय लेखांकन होता है उसमें क्या किया जाता है कि सिर्फ जो लेन देन करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, उनका अभिलेखन करते हैं, लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं और सारांशित करते हैं, वित्तीय विवरण तैयार करते हैं या फिर बही खाता रखना हो वित्तीय विवरण तैयार करना। इसमें वित्तीय लेखांकन बहुत ही आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, काफ़ी सिमिलर से है और ऐसा लग रहा होगा कि सभी काम वित्तीय लेखांकन के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेन हो जाता है अगर बुक कीपिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम ये वाला ऑप्शन टिक करते हैं तो सारी चीज़ें हमारी इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगी। रिकॉर्ड करना, बुक कीपिंग कर रहे हैं तो बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग ही तो आएगी क्योंकि हम जो जर्नल बनाते हैं लेजर बना रहे हैं बुक कीपिंग का मेन काम होता है, यही तो है दो काम। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण तैयार करते हैं उसमें आपके फाइनल अकाउंट्स आ जाते हैं, बाद में जो उसके और भी एनालाइज करने के लिए जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। तो सबसे जो बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुस्तक जिसमें सभी खाते रखे जाते हैं कहलाती है। द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इज नोन एज कैश बुक, जर्नल, लेजर, परचेज बुक। जिसमें सारे अकाउंट्स या सारे खाते रखे जाते हैं, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन, उसको खाता बही कहते हैं, लेजर कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको इजी भी मिलेंगे टफ भी मिलेंगे क्योंकि जो पेपर आपका आएगा उसमें सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। 40 क्वेश्चन जो आपके आने हैं उसका लेवल बहुत हाई होगा, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट लेवल के होंगे, कुछ आपके मॉडरेट होंगे, उसके बाद थोड़े इजी होंगे। क्योंकि पेपर जो बनाया जाता है कंबाइन करके ही बनाया जाता है, सारे बहुत ही टफ नहीं रखे जाते ना ही सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो ये बस बचेगा कि कुछ क्वेश्चन ईजी हैं या नहीं आएंगे, वो भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ मार्जिन शाखा लेखांकन में लागत के बराबर है और प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस इज इक्विवेलेंट टू ऑफ कॉस्ट इन ब्रांच अकाउंटिंग डैश 20% 33/3% 30% 25%। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा कि क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पर दे रखा है 25% का प्रॉफिट और आपसे पूछ रहा है कि अगर लागत के बराबर इस प्रॉफिट को देखा जाए तो लागत पर ये कितने परसेंटेज में आएगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर अगर 25% सेल पर, अच्छा क्वेश्चन है ये, सेल पर आपके 25% प्रॉफिट दे रखा होगा, इसका मतलब क्या रहता है कि अगर हम सेल पर 25% की बात करें तो कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट में यानी कि सेल में से जब हम कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सेलिंग प्राइस सेल्स में से लेस कर देंगे प्रॉफिट को तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट निकल आएगी। तो यहाँ पर कॉस्ट हमको नहीं पता, सेल हमें पता है क्योंकि अगर 25% है तो मान लीजिए कि सेल अगर आपकी 100 है, प्रॉफिट हो गया उसमें से 25, लेस कर देंगे 75 क्या हो जाएगी, हमारी कॉस्ट हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया आपको। अब इस पर हमें निकालना है कि ये 25% प्रॉफिट है तो हम अगर देख रहे हैं कॉस्ट पर तो कितना होगा। तो जब हम उस पर प्रॉफिट निकालते हैं कॉस्ट पर तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट है आपका प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन हो जाती है कॉस्ट, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। प्रॉफिट कितना है 25 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस्ट कितनी निकाली थी 75 निकाली थी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, 25 वन टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा आपका, उसके बाद जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 3 से तो उसको डिवाइड करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर आता है 33.33 कह सकते हैं या इसको 33. इस तरह से आपका 33 आता रहेगा ये, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए ऑप्शन में आपका क्या आंसर दे रखा है, अगर ये दे रखा है तो ये सही है या फिर इस तरह से दे रखा होगा तो ये सही होगा। इस तरह से दे रखा है आपका 33/3% दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। इससे पहले की भी प्रीवियस वीडियोज़ में मैं इस तरह के क्वेश्चन को शामिल कर चुकी हूँ। एक वीडियो सिर्फ मैंने न्यूमेरिकल की आप लोग के लिए लेकर आई थी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने जो इंक्लूड किए थे, वो वीडियो बहुत ज़रूर देख लीजिएगा।
उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दो तीन क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे तो वो क्वेश्चंस आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे, तो एक बार उसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं देखूंगी अगर यहाँ पर इसका लिंक दे दूंगी तो आप लोग इजिली मिल जाएगी, ये तो प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित डेटा उपलब्ध है, क्या डेटा दे रखा है? ओपनिंग डेटा है कार्मिक देनदार 12,000, क्लोजिंग डेटा है अंतिम देनदार 15,000, क्रेडिट सेल है उधार बिक्री 28,000 की, आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ग्राहकों से प्राप्त नकदी की राशि निकालनी है 25,000, 3,000, 28,000, 31,000। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है ओपनिंग डेटा, क्लोजिंग डेटा और क्रेडिट सेल की, आपको निकालना है कि कस्टमर से कितना कैश रिसीव हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन किसकी है? एस लिमिटेड की। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, जो ओपनिंग डेटा होते हैं उसको जब सॉल्व करेंगे तो ओपनिंग डेटा है, यहाँ पर शॉर्ट में मैं ओडी लिखे दे रही हूँ, ओपनिंग डेटा मतलब हो जाएगा इसका कितने के दे रखे थे 12,000 के, उसमें हम जो हमारी क्रेडिट सेल होती है उसको ऐड कर देंगे। क्रेडिट सेल आपकी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, यस शॉर्ट में अगर लिख देते हैं यहाँ पर, तो क्रेडिट सेल दे रखी है 28,000 की, ऐड कर दीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा? ऐड करने पे आएगा 40,000 टोटल। अब इसमें से हम जो हमारी क्लोजिंग डेटर होंगे उसको लेस कर देंगे, क्लोजिंग डेटर सीएस शॉर्ट में अगर लिख दें तो कितना दे रखे हैं 15,000 के, लेस कर दीजिए, कितना अमाउंट हमारा आया निकल के, जब लेस करेंगे तो आ जाएगा 25,000। 25,000 ही क्या हो जाएगा? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स हो जाएगा, यानी कि जो ग्राहकों से कितनी नकदी प्राप्त हुई 25,000 की, कहाँ पर दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो निकालने के लिए क्या करना है, हमें ओपनिंग डेटर में ऐड कर देना है क्लोजिंग जो आपकी से सॉरी जो क्रेडिट सेल दे रखी होगी उसको, और उसमें से क्लोजिंग जो डेटर होंगे यहाँ पर सी डी होगा सॉरी सीएस नहीं होगा, तो जो डेटर होंगे उसको लेस कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। और इसी तरह से और भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्लोजिंग डेटर निकालने को दे दिया जाए और कैश रिसीव कस्टमर्स होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी यही आपका मेन वो है फॉर्मूला, उसी के बेसिस पर ही आपको निकालना है। जहाँ पर इनपुट करिएगा चीज़ों को तो आप ऑटोमेटिक आपको डिफरेंस यहाँ पर से निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायल बैलेंस का सहमति न होने की स्थिति में राशि अस्थायी रूप से कहाँ डाली जाती है? इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस द अमाउंट इज टेम्परेरी पुट टू ट्रेटर अकाउंट, ट्रेटर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार इसको मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए, और इसलिए ये जो अमाउंट निकल करके आता है जिस अकाउंट में जाता है उस अकाउंट को बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है, जब तक कि क्लियर नहीं हो जाती चीज़ें तब तक। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट होगा? सस्पेंस अकाउंट हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेखांकन की इसमें से क्या सीमा नहीं है, तो कोई एक होगा जो इसकी सीमा लेखांकन की नहीं होगी, क्या है ये देख लेते हैं। लेखांकन परंपराएं जो होती हैं उनका आधार तो वो सीमा है, कानूनी मामलों में साक्ष्य एविडेंस इन लीगल मैटर्स, तो ये साक्ष्य ये जो है आपके प्रमाण के रूप में जो जो भी अकाउंट्स रखे गए होते हैं, अगर कोई भी किसी का वाद कोई दूसरा व्यक्ति किसी कंपनी पर कर देता है तो वही अकाउंट्स जो स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं वो न्यायालय में कोर्ट में साक्ष्य के एविडेंस के तौर पर रखे जाते हैं, उन्हें दिखाया जाता है। तो ये आपकी क्या है? एक लिमिटेशन, एक सीमा नहीं है, बल्कि समझ लीजिए एक लाभ ही है, एक एडवांटेज है कि ये अकाउंट्स जो होते हैं उनके बेस पे कंपनी भी बच सकती है, और या फिर ये कह सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति जिसने किया होगा केस उसके लिए भी ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो जाता है कि किसी तरह का फ्रॉड हुआ है या कंपनी को छुपा रही है नहीं छुपा रही, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये क्या है? सीमा नहीं है, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी एक सीमा है, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट नहीं होगी तो अकाउंट्स जो बने होंगे वो सही होंगे ही नहीं, या फिर जो गुणात्मक जानकारी की चूक, तो गुणात्मक जानकारी भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मात्रात्मक क्वांटिटेटिव चीज़ों को ही शामिल किया जाता है। तो ये भी एक चूक है कि कोई व्यक्ति बहुत हार्डवर्किंग है लेकिन उसके हार्डवर्क की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसका कोई
मूल्य एक तरह से कह सकते हैं उसको हम प्राइस में नजर करके नहीं दिखाते हैं, उसकी सिर्फ सैलरी दी जाएगी जो वो काम कर रहा है उसकी, तो उस पक्ष को नकार दिया जाता है। यहाँ पर वो भी एक सीमा है, लेकिन जो एविडेंस एंड लीगल मैटर है वो सीमा नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल लाभ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर परचेजेस, नेट प्रॉफिट प्लस इनकम ऑफ द पीरियड। बहुत आसानी से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, निकाला कैसे जाता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं उसमें से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है एक्चुअल में है क्या, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कई चार पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप लोग को अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट अगर याद हो बनाना, या फिर अगर ट्रेडिंग अकाउंट आपके ध्यान में आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक साइड जो भी प्रोडक्ट ही बनाया गया, मैनुफैक्चर किया गया, उसके सारे एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, और दूसरे साइड में जो हमारी तो आपकी निकल के क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको शॉर्ट में COGS भी बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो सेल होती है, तो जब आप सेल में से लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो क्या निकल के हमारा आ जाता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर किया जाता है, जिसको शॉर्ट में GP बोला जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स में दे रखा था, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो विक्रय है, जितनी हमने बिक्री करी है, जितना अधिक है उसका लागत के ऊपर, वो सब क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रारंभिक खर्चों या फिर व्ययों को जो बैलेंस शीट बनाते हैं में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, इन्वेस्टमेंट, लोन एडवांसेस, मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर। अब आप लोग सोचेंगे कि ये हैं तो एक्सपेंसेस, लेकिन इसको हम बैलेंस शीट में जो बना रहे हैं तो फिर लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं, इनको जो बैलेंस शीट हम बना रहे होते हैं वहाँ, तो ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये तब होते हैं जब कंपनी का को स्वामित्व किया जा रहा होता है, उसका निगमन हो रहा होता है, रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है, उस टाइम पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और उनको धीरे धीरे करके क्या किया जाता है, प्रॉफिट में से रिटर्न ऑफ करते रहा जाता है। उसको कहाँ पर दिखाया जाता है, उसको दिखाया जाता है एसेट साइड में बैलेंस शीट के, जो मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर हम विविध व्यय बनाते हैं, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे एसेट साइड में सबसे ऊपर आपकी गुडविल वगैरह दिखाई जाएगी, फिक्स्ड एसेट होती हैं, करेंट एसेट होती हैं, उसके बाद मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर दिखाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपके ये प्रारंभिक खर्चे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक सीक्वेंस होता है, चाहे लायबिलिटी साइड हो या फिर आपका एसेट साइड हो, जो भी एसेट्स होती है उनको दिखाने का, सबसे लास्ट में उनको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनिमय बिल में कौन पक्षकार नहीं है, हु इज नॉट ए पार्टी टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राई ड्राई, इन्वेस्टर, इंडोसर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसमें कौन से पक्षकार नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई पक्षकार होते हैं। तो मेनली जो होंगे वो तीन तरह के पक्षकार होते हैं, कौन कौन से तीन होते हैं, तो यहाँ पर ड्रायर भी होता है, ड्राई भी होता है, और इंडोर्सर भी होता है। कौन सा नहीं होता, निवेशक, इन्वेस्टर नहीं होता, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो कौन पक्षकार नहीं होता, इन्वेस्टर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नोटरी पब्लिक द्वारा किसी बिल को रोककर अनादर का औपचारिक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ इशूइंग ए फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ दिस ऑनर बाय नोटरी पब्लिक टू द होल्ड ऑफ ए बिल इज नोन एंड एज नोटिंग, प्रोटेस्टिंग, मार्किंग, इंडोर्सिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बिल को जब रोक करके उसको डिसऑनर कर दिया जाता है, और उसका जो एक फॉर्मल जो नोटिस जारी किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस तरह के नोटिस को जब भी कुछ अनादर हो जाता है तो वो कहलाता है विरोध करना या फिर प्रोटेस्टिंग। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, जो विनिमय सार्वलिक अधिनियम है 1881, उसके सेक्शन 100 में इस तरह का इसके बारे में बताया गया है कि अगर किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज का या फिर जो प्रॉमिसरी नोट होते हैं उनका, या फिर उसमें फॉरेन बिल भी इंक्लूड किए जाते हैं, डिसऑनर हो जाता है, नॉन एक्सेप्ट उनको अस्वीकार कर दिए जाने पर, या फिर उनका पेमेंट ना किए जाने पर, तो वहाँ पर इस नोटिस को जारी किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
in which air zero-based costing was implemented in India as a method of assessing एक्सपेंडिचर बजट। भारत में व्यय बजट के आकलन की एक विधि के रूप में शून्य आधारित बजटिंग किस वर्ष लागू की गई थी? 1985, 1986, 1988, 1990। तो बजटिंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, इसके अलग से वीडियो भी आई थी, जो क्लासेस मैंने कराई थी वहां पर। तो जो बजटिंग में शून्य आधार बजट की बात की जाती है, जीरो बेस बजट, नाम से क्लियर है, जीरो बेस मीन्स क्या हो जाता है, इसको बनाते टाइम हम पहले की किसी भी आंकड़ों को, किसी भी डेटा को नहीं इंक्लूड करते हैं, बल्कि एक जीरो से एक नए तरीके से बजट को तैयार किया जाता है। मतलब मोस्टली क्या होता है, पुराने बजट जो रहे हैं अभी तक बनाए हैं, उनको देखा जाता है कि क्या एक्सपेंसेस रहे होंगे, उसी के बेस पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि फ्यूचर में भी नेक्स्ट आगे इसी हिसाब से एक्सपेंस होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई भी पिछला पुराना अपना कोई भी हिस्ट्री के बजट को नहीं देखते, कोई भी आंकड़ों को नहीं देखते, नए सिरे से हम अपना बजट तैयार करते हैं। तो किस वर्ष में हुआ था, 1986 में लागू किया गया था इसे इंडिया में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, आप लोग मुझे इसका आंसर ये कमेंट करिएगा कि जो जीरो बेस बजट था उसकी शुरुआत किसने की थी, या किसने उसकी खोज कह सकते हैं, किसकी वजह से इसका स्टार्टिंग हुई थी, सबसे पहले किस व्यक्ति ने इसको लाया था जीरो बेस बजट को, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषता क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक आइटम्स इन वन कॉलम, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है, तो ये एक रियल अकाउंट की तरह होता है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये कैश बुक की तरह बनाया जाता है, इसीलिए इसको मैंने रियल अकाउंट कहा, क्योंकि कैश बुक की तरह बनाया जाता है। उसमें जो भी आपके कैश और बैंक के आइटम्स होते हैं एक ही साथ दिखाए जाते हैं, और साथ ही जो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोनों में अंतर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर विशेषताओं की हम बात करें तो तीनों ही ये विशेषताएं फीचर्स पाए जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता दर्शाता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश एंड बैंक बैलेंस, एसेट एंड लाइबिलिटीज, कैश एंड क्रेडिट बैलेंस। अभी ये क्वेश्चन मैंने इसी तरह का करा है जिसमें आपने फीचर्स कहे थे। तो प्राप्ति भुगतान खाता क्या चीज़ दर्शाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, क्या दिखाता है, जो भी कैश और बैंक बैलेंस होता है, नगद और बैंक शेष, उसको दिखाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि किस तरह की जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको दिखाता है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैश एंड बैंक बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां प्रति अंश वास्तविक मूल्य प्रति अंश पुस्तक मूल्य से अधिक होगा ऐसा निगम कहा जाता है, वेयर बुक वैल्यू पर शेयर इज लेस देन रियल वैल्यू पर शेयर, द कॉर्पोरेशन इज सेड टू बी अंडर कैपिटलाइज, ओवर कैपिटलाइज, ऑप्टिमम कैपिटलाइज, स्टैंडर्ड कैपिटलाइज। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो वास्तविक मूल्य है अंश का, प्रति अंश वास्तविक मूल्य क्या है, अधिक है, और जो पुस्तक मूल्य दिखाया जा रहा है वो कम है। पुस्तक मूल्य यानी कि जो बुक्स हमने बनाई है अपनी, उस बुक में हमने अंश की वैल्यू कम दिखाई है, लेकिन वास्तव में अंश की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, वो संस्था क्या है या फिर वो निगम क्या होगा, अंडर कैपिटलाइज्ड होगा, कम पूंजीकृत होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अगर वैल्यू अधिक दिखाई जाती तो क्या हो जाता, ओवर कैपिटलाइज हो जाता, यहाँ पर कम दिखाई गई है इसलिए अंडर कैपिटलाइज हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय द्वारा किए गए लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार किया गया विवरण डैश कहा जाता है, द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड द डैश, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ऑल ऑफ दैट। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी संस्था के व्यवसाय के जो लाभ हानि हुई है उसको निर्धारित करने के लिए जो भी स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो आपको पता ही उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर पूछा था तो हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा परीक्षा कार्यक्रम होना चाहिए, ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी फ्लेक्सिबल परमानेंट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस नॉन ऑफ टेबल। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है वो किस तरह का होना चाहिए, जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाएगा उसे फ्लेक्सिबल लचीला होना चाहिए, कि आवश्यकता अनुसार जैसे कि नीड हो वैसे उसको चेंज किया जा सके, उसे परिवर्तन किया जा सके। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑडिट प्रोग्राम कौन बनाता है? जो ऑडिटर होता है वो और उसके जो भी सहायक होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखा परीक्षक के त्याग पत्र के कारण नियुक्ति को भरा जाता है। अ वैकेंसी कॉज्ड बाय रिजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मीटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक ऑडिटर था किसी कंपनी में, लेकिन उसने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने के बाद अब उसका जो जगह खाली हो गई है उसको कौन भरेगा? निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक, सामान्य बैठक में, या फिर केंद्र सरकार द्वारा भरा जाएगा? तो उसको कौन फिल करता है या किसके द्वारा फिल किया जाता है? तो उसे जो सामान्य बैठक एनुअल मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, उन एनुअल मीटिंग्स में जो अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैसे ही जो अंकेक्षक या ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति जो होती है, आपको पता ही होगा, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो सामान्य सभा जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं उसमें करते हैं, लेकिन जो पहली जो अंकेक्षक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लेखांकन कार्य की जांच अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है कहलाती है। एन अरेंजमेंट इन विच द अकाउंटिंग वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल इज चेक्ड बाय अदर मेंबर इज नोन एज इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल चेक, टेस्ट चेकिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरह का लेखांकन कार्य का इस तरह से व्यवस्था करी जाएगी कि एक सदस्य जो कार्य करेगा उसकी जांच होगी, दूसरा उसी कंपनी का एम्प्लॉय जो होता है वो कर लेता है। तो वो तरीका जो होगा जांच करने का उसको क्या कहा जाता है? आंतरिक लेखा परीक्षा, बाहरी ऑडिट, या फिर आंतरिक जांच, या फिर परीक्षा जांच, तो क्या कहलाती है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, उसे हम आंतरिक जांच यानी कि इंटरनल चेक कहते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो काम इस तरह से बांटा जाता है कि एक व्यक्ति जो काम करेगा, दूसरा जो एम्प्लॉय होगा उसके काम को चेक कर लेगा, तो वहाँ पर क्या होता है, एरर होने की या गलतियाँ होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती लेखा परीक्षा किसका भाग है? कंकरेंट ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट सिस्टम, नन ऑफ द ऑप्शन। क्वेश्चन में कह रहा है कि समवर्ती लेखा परीक्षा जो होती है किसका एक पार्ट होती है, भाग होती है, तो वो एक आंतरिक लेखा परीक्षा का पार्ट होती है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम का भाग होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिवीय लेखा परीक्षा इसके लिए एक प्रभावी उपकरण है। सेक्रेटरियल ऑडिट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर इंटरनल ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑडिट। तो जो सचिवीय लेखा परीक्षा की जाती है, सचिवीय ऑडिट होता है, वो तो कहाँ पर या किसके लिए कि इफेक्टिव टूल की तरह काम करता है? तो वो कॉर्पोरेट अनुपालन प्रबंधन के लिए, कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए एक टूल की तरह काम करता है कि सही ढंग से प्रबंधन या मैनेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? वो टूक चार्ज एज द 13th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राजीव महर्षि, टी एन चतुर्वेदी, बी एन कॉल, विनोद राय। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिए, ढूंढिए, देखिए, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करिए, नहीं तो आप लोग ढूंढिए कि कौन थे जो 13th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग थे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल इज मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर वुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज ए पैट्रिसाइड इफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट पर चाइल्ड डजंट एक्सीड। जहाँ शैक्षिक संस्थान बनाए रखा जाता है और नियोक्ता के स्वामित्व में होता है, वहाँ स्थान पर में या उसके निकट पर एक समान संस्थान में ऐसी शिक्षा की लागत घटाकर कर्मचारी से वसूली गई राशि को अनलाभ नहीं माना जाएगा यदि प्रति बच्चे लाभ का मूल्य इससे अधिक नहीं है। तो फिर 5,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ। बहुत ही सिंपल वे में समझा देते हैं आप लोगों को, एक होता है एजुकेशन अलाउंस और एक हो जाता है एजुकेशन परसेंटाइज, यानी कि एक शिक्षा भत्ता दिया जाता है, एक शिक्षा अनुलाभ दिया जाता है। इनकम टैक्स में सैलरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता रही हूँ, समझ लीजिएगा। तो शिक्षा भत्ता दिया जाता है दो बच्चों तक, यानी कि टू चाइल्ड पर
या इस तरह से इसको समझ लीजिए, ज़्यादा ईजी रहेगा। पर चाइल्ड जो होता है 300 तक क्या हो जाता है वो, पर मंथ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 300 पर मंथ तक उस बच्चे के लिए क्या होता है, पूरी तरह से गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, उसको छूट दी जाती है। और तो कितने बच्चों तक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो बच्चों तक टू चाइल्ड के लिए दिया जाता है। ये हो जाता है आपका एजुकेशन अलाउंस कहलाता है, शिक्षा भत्ता हो जाता है। और दूसरा चीज जो आती है, एक आपका अनुलाभ आता है, एजुकेशन पर किस साइड आता है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, और यही क्वेश्चन ने आपसे अनुलाभ के बारे में पूछा, क्योंकि बस सुविधा की जा रही, जब भी सुविधा की जाएगी, या फिर यहाँ पर तो क्लियरली साफ साफ मेंशन ही है कि पर किस साइड है, अनुलाभ है, तो कंफ्यूजन ही नहीं है। तो यहाँ पर 1,000 पर मंथ तो कितने बच्चों तक होता है, दो बच्चों तक, ये भी रहेगा। 1,000 के ऊपर जितना अमाउंट भी पे किया जाए, जैसे कि 1,200 किया जा रहा है, तो 1,000 की क्या होगी, डिस्काउंट मिल जाता है, छूट मिल जाती है, बाकी 200 का टैक्सेबल हो जाता है पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक शिक्षा भत्ता होता है और एक शिक्षा अनुलाभ होता है, यहाँ पर अनुलाभ की बात की गई थी। क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी कोई डिफिकल्ट होती है, थोड़ा सा उसको समझ लिया करिए, तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राकेश वर्क विद ए प्रीवियस एम्प्लॉयर फॉर 3 years बट वॉज नॉट इंटाइटल टू एनी ग्रेजुटी। ही वर्क विद द प्रेजेंट एम्प्लॉयर फॉर 8 years एंड 7 months। द कम्प्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर कैलकुलेटिंग एग्जम्पशन ऑफ ग्रेजुटी शैल बी टेकन एज। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राकेश कोई व्यक्ति था, उसने अपने पहले जो जो नियोक्ता थे, एम्प्लॉयर थे, उनके साथ 3 साल काम किया था, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी ग्रेजुटी नहीं मिली थी। अभी जो करेंट में अपने नियोक्ता या फिर जो एम्प्लॉयर है उनके साथ वो काम कर रहे हैं 8 साल 7 महीने से। अब हमें ये बताना है कि उन्हें ग्रेजुटी की जब छूट दी जाएगी, तो जो काउंट किए जाते हैं उनके सेवा के ईयर्स जो होते हैं, कि उन्होंने कितने दिन, कितने वर्ष, कितने ईयर तक अपनी सर्विस प्रोवाइड कराई है, तो वहाँ पर कितने ईयर्स को काउंट किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसमें जो हम काउंट करेंगे, कितने ईयर्स को काउंट करेंगे, 8 साल हैं और 7 महीने हैं, तो अगर 6 मंथ से, बस इतना सा क्वेश्चन यहाँ पर है, समझ लीजिए कि 6 मंथ से ज़्यादा की अगर हो जाती है टाइम पीरियड, तो उसको 1 वर्ष मान लिया जाता है, इसको हम इसमें काउंट कर देंगे। तो 8 साल तो ये हो गए, और उसको हम पूरा 1 वर्ष काउंट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 ईयर्स हो जाएंगे। ये पिछले के 3 साल हमको ऐड नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई भी ग्रेजुटी मिली ही नहीं थी, अगर मिली होती तो यहाँ पर काउंट किए जाते, लेकिन नहीं मिली तो काउंट हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे, 8 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 ईयर्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगर यहाँ पर, अगर 6-7 की जहाँ पर 5 मंथ होता, तो यहाँ पर हम सिर्फ 8 साल ही टिक करते। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 54 के तहत छूट उपलब्ध है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल टू ऑल एसएससीज, इंडिविजुअल्स ओनली, इंडिविजुअल्स प्लस एचयूएफ, इंडियन कंपनी। तो यहाँ पर जो सेक्शन 54 होगी, तो सेक्शन 54 किससे रिलेटेड है, तो ये कैपिटल गेन में आपकी सेक्शन 54 आती है, धारा 54 आती है, जो कि मकान से रिलेटेड, यानी कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, मकान होते हैं, उनके से रिलेटेड ये छूट दी जाती है। किसको मिलती है, क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है, किसको दी जाती है, जो एक इंडिविजुअल होता है, या फिर जो हिंदू आधारित परिवार, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, इन दोनों को ही दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, धारा 80C से 80U के तहत कटौती इससे अधिक नहीं हो सकती, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम इन परफॉर्म बिजनेस ऑफ ऑपरेशन, इन परफॉर्म हाउस प्रॉपर्टी। तो जो कटौती दी जाएगी 80C से 80U तक, किससे ज़्यादा नहीं होगी, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले 5 हेड जो होते हैं अलग अलग, उनसे इनकम कैलकुलेट की जाती है, तो 5 हेड की इनकम कैलकुलेट होकर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, इसको शॉर्ट में GTI लिखा जाता है, सकल खुलाए जिसे कहते हैं, उसमें से हम क्या लेस करते हैं, जो हमारी 80C से 80U तक की जो भी डिडक्शंस आती हैं, 80C से 80U तक की जितनी भी डिडक्शंस आती हैं, उसको हम लेस कर देते हैं। लेस कर देने पर हमें क्या निकल करके आती है, लेस करने पर निकल के आती है हमारी टोटल इनकम, यानी कि कुल आय जिसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि किससे अधिक नहीं हो सकती, तो सिंपल सी बात है, आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उससे अधिक नहीं हो सकती ये कटौतियाँ, क्योंकि उससे अधिक हो जाएंगी तो माइनस में चली जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इससे कम ही रहती है। तो या तो सकल कुल आय और कुल आय बराबर हो सकती है, या फिर जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है वो ज़्यादा होगी और टोटल इनकम कम होगी।
किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपकी जो आंसर रहेगा कि किससे अधिक नहीं होगी, ग्रॉस टोटल इनकम से अधिक नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।